फ्रेंड्स टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्लेवर फॉक्स आई होप यू ऑल विल लाइक इट अ लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट हैड अ फॉक्स एज हिज मिनिस्टर एक बार शेर जो कि जंगल का राजा था उसके एक मंत्री था और वो कौन था फॉक्स उसका मंत्री था एवरी डे द लायन हंटेड हर दिन शेर जो था वो शिकार करता एंड किल्ड एन एनिमल फॉर हिज फूड और अपने भोजन के रूप में एक जानवर को वो मार देता था द फॉक्स गॉट अ शेयर फ्रॉम इट और उस लोमड़ी को उस शिकार में से एक कुछ हिस्सा उसको मिल जाता था एज रिवॉर्ड फॉर सर्विंग द लॉयन लायन एज एज द मिनिस्टर और उस लायन की सेवा करने के बदले में मंत्री के रूप में सेवा करने के बदले में उसे इनाम के तौर पर उस शिकार का एक हिस्सा मिल जाता था वन डे द लायन सिक एक दिन वो जो शेर जो था वो बीमार हो गया ही कुड नॉट गो आउट फॉर हंटिंग वो शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सका सो ही सेट टू द फॉक्स इसलिए उसने फॉक्स से कहा टुडे आई कांट गो आउट फॉर हंटिंग। आज मैं बाहर शिकार करने नहीं जा सकता हूँ बट आई एम वेरी हंग्री लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है मैं बहुत भूखा हूँ प्लीज़ गो एंड ब्रिंग सम एनिमल फॉर माई फूड अब जाओ और बाहर से मेरे लिए भोजन के लिए एक जानवर पकड़ के लाओ द फॉक्स सेट टू हिमसेल्फ अब फॉक्स ने अपने मन में सोचा क्या कहा उसने अपने आप से नो एनिमल वेलकम टू द लाइन कोई भी जानवर अपनी इच्छा से willingly का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई भी लाइन के नजदीक नहीं आएगा वॉट शैल आई डू नाउ अब मैं क्या करूं ही था एंड थाट उसने सोचा और बहुत सोचा एट लास्ट ही हैड एन आइडिया अंत में उसे एक विचार सूझा एक आइडिया आया ही थाट उसने सोचा द डोंकी इज अ स्टूपिड एनिमल डोंकी जो है वो एक मूर्ख जानवर होता है आई कैन फूल हिम एंड ब्रिंग हिम हेयर मैं उसे मूर्ख बना सकता हूँ और उसे यहाँ पर ला सकता हूँ सो ही वेंट टू द डोंकी एंड सेड और वो लोमड़ी जो था वो डोंकी के पास गया और उसने उससे कहा आई हैव गुड न्यूज फॉर यू मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है द लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट हैज डिसाइडेड टू मेक यू एज हिज सेक्रेटरी यानी शेर जो कि जंगल का राजा है उसने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाने की सोची है उसने निर्णय लिया है प्लीज कम विद मी एंड सी हिम चलो मेरे साथ चलो और उनसे मिलो द डोंकी वॉज वेरी मच प्लीज टू हेयर दिस अब डोंकी जो था वो ये सुनकर के बहुत खुश हुआ सो ही वेंट विद द फॉक्स टू द लायंस डैन और इसलिए वो फॉक्स के साथ शेर की गुफा तक चल पड़ा वहाँ जाने के लिए चल पड़ा द हंग्री लायन स्प्रेंग अपॉन द डोंकी एंड हिम अब जैसे ही वो गुफा में गया उस भूखे शेर ने उस डोंकी के ऊपर उसने छलांग लगा दी एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया देन ही सेड टू द फॉक्स उसके बाद शेर ने फॉक्स से कहा आई एम गोइंग टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर मैं नदी पर जा रहा हूँ पानी पीने के लिए यू शैल सिट हेयर एंड टेक केयर ऑफ दिस स्किल और तुम यहाँ पर बैठोगे और इस शिकार की तुम रक्षा करोगे देखभाल करोगे कि भाई कोई और जानवर ना खा जाए इसको द लायन वेंट टू द रिवर अब शेर जो था वो नदी पर गया नाउ द फॉक्स हिमसेल्फ वॉज वेरी हंग्री अब फॉक्स भी जो था वो भी बहुत भूखा था उसे भी बहुत ज्यादा जोरों की भूख लगी थी ही हरीडली एट द ब्रेन ऑफ द डोंकी बिफोर द लायन रिटर्न फ्रॉम द रिवर उसने जल्दी से उस डोंकी का दिमाग जो था वो खा लिया इससे पहले कि शेर नदी पर से वापस आता द लायन रिटर्न आफ्टर सम टाइम अब कुछ देर बाद लायन जो था वो वापस आया नदी पर से ही लुक्ड एट द डोंकी उसने शेर ने डोंकी को देखा एंड आस्ट और पूछा वेयर इज पूछा वेयर इज द ब्रेन ऑफ दिस एनिमल इस जानवर का दिमाग कहाँ है द फॉक्स माइल्ड अ फॉक्स जो था मुस्कुराया एंड सेड और उसने कहा सर इफ़ द डॉन्की हैड ब्रेन्स ही वुड नॉट कम हेयर यानी वो ये कहता है कि अगर डोंकी के दिमाग होता तो वो यहाँ पर क्यों आता डॉन्कीज आर ब्रेनलेस एनिमल्स डॉकी जो होते हैं उनके दिमाग नहीं होता है सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव लाइक दिस स्टोरी